इस विलेज वाले प्लास्टिक बैट का जो है यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि यहाँ पर जो है इसको किस किस बॉल से खेल सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुतों ने यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर अपना डाउट को कमेंट में पूछा था, तो यहाँ पर जो है मैं बताऊँगा आज को यहाँ पर जो है किस किस टाइप के बॉल से जो है यहाँ पर खेल सकते हैं। पहले तो यार मैं सोचता था कि यहाँ पर दो ही टाइप का जो है बॉल होता है, एक तो हमारे यहाँ जो गली क्रिकेट में खेला जाता है वो टेनिस वाला बॉल, और एक जो है यहाँ पर IPL वगैरह में जो वो क्रिकेट वाला बॉल खेला जाता है, ठीक है, तो वो वाला टाइट वाला बॉल। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा गूगल पर जो है यहाँ पर गूगल किया इसको कि यहाँ पर बॉल कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पर जो है मेरा दिमाग जो है घुटना से जो है यहाँ पर अब जाकर दिमाग में आया, तो यहाँ पर जो है इसलिए यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है इतना सारा डाउट है। तो यहाँ पर जो है अंतर नहीं है, बस वही थोड़ा सा इधर उधर करके है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर जो है ये वाला जो है प्लास्टिक बैट जो है यहाँ पर इससे जो है किस किस टाइप के जो है बॉल से आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला वाला जो है यहाँ पर ये प्लास्टिक बॉल, ये सबसे हल्का होता है, इससे तो खेल ही सकते हो, ये तो बच्चे खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बैट से खेल सकते हो, ये तो खेल ही सकते हो इजीली। उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्टम्पर बॉल, ये रबड़ बॉल, ठीक है, ये जो है कॉस्को वाला जो वो टेनिस वाला बॉल होता है, ठीक है, भारी वाला थोड़ा, उससे की तुलना में जो है ये थोड़ा सा भारी होता है, हल्का सा भारी होता है, ठीक है, ये रबड़ का होता है, इसको स्टम्पर बॉल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला बॉल से भी आप उस बैट पर खेल सकते हो, तो यहाँ पर जो है इसे भी आप इजीली खेल सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर ये टेनिस बॉल, अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, टेनिस बॉल जो है यहाँ पर दो तरह का होता है, एक तो यहाँ पर भारी वाला होता है और एक यहाँ पर हल्का होता है। हल्का वाला वो जो है यहाँ पर आप उसको किसी को अगर मारोगे उससे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगा, वो उतना हल्का होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ वो तगड़ा वाला मटेरियल नहीं होता है, बस रबर टाइप का ही हल्का सा होता है और वो दिखता भी जस्ट जो है यहाँ पर ये कॉस्को बॉल टाइप का ही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो दोनों बॉल से खेल सकते हो, वो जो हार्ड वाला वो और जो है जो एक हल्का वाला होता है। अब टेनिस में यार वो हार्ड वाला होता है खेला जाता है या हल्का वाला वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दोनों बॉल से आप इजीली खेल सकते हो। तो ये कॉस्को बॉल इसको बोला भी जाता है, इसको टेनिस बॉल भी बोला जाता है, तो यहाँ पर ईजिली आप दोनों से भी यहाँ पर खेल सकते हो ईजिली, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आइए कॉर्क वाला बॉल, ठीक है, ये कॉर्क वाला ही बॉल जो है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह में सही खेला जाता है, ठीक है, इसका ही जो है यहाँ पर दो तीन टाइप होता है लेकिन चीज़ें वही होती है, ठीक है, कुल मिलाकर जो है ये 19-20 का बस वो लेदर वाला ही होता है, ठीक है, यही लेदर वाला बॉल इसी को कॉर्क बॉल कहा जाता है, यही जो है यहाँ पर इंटरनेशनल IPL वगैरह क्रिकेट में जो है यहाँ पर खेला जाता है, ये बहुत ही तगड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर लेदर का बना होता है तो इसमें हार्ड वगैरह मटेरियल और यूज होता है, तो ये बहुत ही हार्ड होता है, तो हाँ इससे जो है उस प्लास्टिक वाले बैट से नहीं खेल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर हमें लगता है कि फिर बॉल ही तो रहेगा लेकिन बैट नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर टूट जाएगा, तो कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉल से लेदर वाले बॉल, ये कॉर्क वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला जाने वाला ये बॉल जो है, ठीक है, इसको डग बॉल और क्या क्या नाम है उसका, ठीक है, ये जो है इस टाइप के बॉल से आप इसको इस प्लास्टिक वाले बैट से नहीं खेल सकते हो।